इसमें करो कि कहता है वेलोसिटी ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक इफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्री एंड ऑफ द रोप आर इंडिकेटेड। ये वाला जो एंड है ये एरो से दिखाया गया है कि 2 मीटर पर सेकेंड से फ्री एंड है, इधर से भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से इधर जा रहा है, और ये जो फ्री एंड है वो 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, ऐसा एरो से दिखाया गया है। तो ब्लॉक कितने से किधर जा रहा है वो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो फिर वही लगा देते हैं, 1, 2, 3 तीन पॉइंट पे लगाना है सिग्मा टी डॉट ए, तो तीन पॉइंट पे लगाना है। तो सबसे पहले मैं इस बड़े वाली स्ट्रिंग में टेंशन टी मान लेता हूँ, तो इस छोटे वाले स्ट्रिंग में टेंशन 2T आ जाएगा, और इसमें भी आ गया टी और इसमें भी आ गया टी, तो ये आ गया टी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इस ब्लॉक इसके लिए लगाओ, तो ये इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर है और इस पे टेंशन इधर की लगेगा, समझ रहे ना यार, ये इधर आ रहा और इस पॉइंट पे टेंशन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के हमेशा आवे लगता है, तो यह आ जाएगा -2T। ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, टेंशन भी ऊपर लग रहा है, तो ये +2T V2, ठीक है। और ये नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, तो -T = 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टी कैंसिल हो गया, तो टी कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा -3 और +2V2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि V2 = 3/2 मीटर पर सेकेंड से ब्लॉक ऊपर जा रहा है, और जो कि प्लस आया, ठीक है, जो कि प्लस आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक ऊपर ही जा रहा है, हम सही हैं। अगर नीचे आएगा इधर खींच ऐसे खींचा जाएगा तो ये ऊपर ही जाएगा यार, ठीक है।